The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So first of all, right, there are some simple signs. आप अपने आप में या अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में अगर ऐसे साइंस देखते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो स्ट्रेस्ड हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं। जैसे कि कॉमन स्ट्रेस से आप क्या फील करेंगे, अगर आप बच्चों में या तो बहुत ज़्यादा वो ग्रेड्स की या स्कूल के होमवर्क की या फिर अपने परफॉर्मेंस की जो फ़िक्र है, जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनकी फ़िक्र कुछ बहुत ही ज़्यादा वरी कर रहे हैं, जितनी एक नॉर्मल आदमी इंसान को नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दौड़ रहे हैं, कभी इस पर कभी स्कूल हो गया, कभी काम हो गया, कभी स्पोर्ट्स हो गया, कभी ये हो गया, सो इतना ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है ये तो अनहेल्दी है, दे आर नॉट गिविंग रेस्ट टू देयर बॉडी। देन अगर वो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ या अगर आप ये दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बुलिंग हो रही है, कोई आपकी बुलिंग कर रहा है या कोई आपकी टांग खींच रहा है या आप किसी की टांग खींच रहे हैं या ज़्यादातर कोई आपकी टांग खींचता है, या फिर कोई पीयर प्रेशर हो रहा है, पीयर प्रेशर यानी दूसरा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, ये ज़्यादा लेवल पे हो रहा है जितना नॉर्मली नहीं होता है, या फिर मान लीजिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव हो गए, सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सोचने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंपल्सिव हो गए हैं, या फिर अगर आप जो भी प्रेशर फील कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की सेक्सुअली, और वो दिख रहा है, राइट, और या फिर अगर मान लीजिए आपके स्कूल हो गया या हाउस हो गया, वो होमलेसनेस यानी ऐसी कोई चीज़ हो गई जो चेंज हो गई, स्कूल चेंज हो गया, हाउस चेंज हो गया, जॉब चेंज हो गया और अब आपको मुश्किल हो रही है डील करने में, तो दैट इज़ ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, बिग साइन कि भाई ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर, किसी के अंदर नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं कि मैं अपने खुद के बारे में कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होता, दिस काइंड ऑफ अ थाट इज़ बैड, राइट। अगर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप मोटे हो रहे हो, आपकी आँखें डीप डार्क हो रही है, आँखों के अंदर जो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, राइट, मुंह में छाले आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी वीक हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑल साइंस ऑफ स्ट्रेस इन योर चाइल्ड या आप अपने आप में, आपके कोई मेजर स्ट्रेस जैसे कोई सेपरेशन हो रहा है, कोई किसी रिलेशनशिप का टूटना हो रहा है और आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अ बिग इशू। देन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अनसेफ इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वो भी आपको सोचना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि क्या ये इन्वायरमेंट अनसेफ है, क्या ये इन्वायरमेंट अनसेफ है या नहीं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने में मुश्किल हो रही है, राइट, सो ये सारे छोटे छोटे साइंस हैं जो स्ट्रेस बताते हैं, और साथ में आपको दूसरे साइंस आएंगे, जैसे आप बहुत जल्दी गुस्सा हो रहे हो, बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कभी कभी छोटी छोटी बात में रोने लग जाए, या आपको आंसू जैसे दिखने लगे, एकदम रोने की पहले वाली हालत हो गई, अभी रो देगा समथिंग बच्चा या आप, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों के साथ मिलने जुलने वाला चीज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट, या फिर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा सो रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, या फिर उल्टे सीधे ड्रग्स वग्स लेने लग गए हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ, आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। सो अगर आप या आपके दोस्त ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम बिताना, नंबर वन चीज़ है उसमें। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली पुट्स यू बैक इनटू योर रूट्स, आपके
जो रूट्स हैं वो आपको बचाते हैं ऐसी सिचुएशंस में. तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए टाइम निकालिए, चाहे वो बच्चों अपने बच्चों के साथ खेलिए, बड़ों के साथ टाइम बिताइए, साथ में डिनर करो, बातें करो, खेलो कूदो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल थिंग्स. वो जो काम होना है वो होगा, डोंट वरी. सो एंड देन यू हैव टू लर्न टू लिसन ऑल्सो. अगर आप दूसरों के साथ हो तो उनकी बात भी सुनिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके दोस्त हैं. अगर वो अच्छे हैं देन उस पर ट्रस्ट करो. अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए रोल मॉडल बनो, राइट, कि कैसे आपने स्ट्रेस को हैंडल करना है. अगर आप हो तो आप ऐसे रोल मॉडल ढूंढो जो जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, राइट. अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, अगेन द सेट स्टेप इज कि थोड़ा आधा घंटा घर से बाहर घूम के आओ, पार्क में घूम के आओ, लोगों से बात करो, दौड़ो, दौड़ लगाओ, राइट. कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करो, राइट. अपने प्रॉब्लम को दूसरों पे मत डालो. ये नहीं कि यार तू सॉल्व कर दे प्लीज़, या बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व मत कर दो खुद ही, वो प्रॉब्लम करेंगे. बच्चों के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने हैं, आपको प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है, राइट. और मेक श्योर करिए कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो. हेल्दी फूड, हेल्दी खाना, हेल्दी स्नैक्स सारे घर में भर के रखो, उससे फ़ायदा होगा. और फैमिली में जितने भी छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं कि साथ में खाना खाना, राइट, जल्दी सोना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उससे फ़ायदा मिलेगा. डोंट डिमांड परफेक्शन, राइट. खुद अपने बच्चों से परफेक्शन डिमांड मत करो. अगर बच्चों को आपको मैनेज करना है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने को सीखो. आप अगर बच्चे हो तो बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो. इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. और आपसे नहीं हो पा रहा तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट से हेल्प, काउंसलिंग, स्ट्रेस क्लासेस, ये लेने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो. रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके.